हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओखानी टेक्निकल के नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम करेंगे जेबीटेक ब्रांड का नेकबैंड ब्लूटूथ का अनबॉक्सिंग, और साथ साथ में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एक ही ब्लूटूथ को दो फोन से कैसे कनेक्ट करते हैं। लाइव दिखाऊंगा आपको, तो वीडियो को पूरा देखिए और नॉलेज लेवे कि कैसे कनेक्ट होता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको रोज़ एक से एक लेटेस्ट मोबाइल एसेसरीज, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ़ोन केसेस की अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों, देखिए शुरुआत करते हैं। बॉक्स पर लिखा है 20 आवर्स, इसका म्यूजिक टाइम है, पुंग सीरीज है, JBN7 मॉडल नंबर है इसका, ऑडियो नेकबैंड, एक्सपीरियंस द ओरिजिनल साउंड। बॉक्स आप देख सकते हैं, ये स्वेट प्रूफ स्पोर्ट्स हेडफोन्स हैं। वायरलेस वर्सन, टॉक टाइम 25 आवर्स है, म्यूजिक टाइम इसका 20 आवर्स है, स्टैंड बाई टाइम इसका 650 आवर्स है, चार्जिंग इसको 1 से 2 घंटा आपको चार्ज करना है। नॉर्मल माइक्रो USB चार्ज लगता है इसको। इसका जो आउटपुट है वो 3 mW x 2 है, और आप देख सकते हैं A2DP वॉइस कंपेटेबल है। एडवांस मल्टी पॉइंट है, मतलब ये एक ही ब्लूटूथ को दो फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शंस है इसमें। नॉइज रिडक्शन है, वॉइस एक्टिवेटेड डायलरिंग है, और टेक्स्ट टू स्पीच देख सकते हैं दोस्तों। क्वालिटी बहुत ही अच्छा है जेबीटेक का। इसका MRP है 2499, लेकिन रिटेल स्टोर में आपको ये बहुत ही कम दाम में मिलेगा, लगभग 1000 तक ये आराम से आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा ब्लूटूथ है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसकी अनबॉक्सिंग करके, ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ दोस्तों। टेंटन है, ये देखिए, ये है इसका एक केबल USB चार्जिंग। इसलिए दोस्तों देखते हैं, ये सभी साइड में रखते हैं। बहुत ही अच्छा ब्लूटूथ है, मैग्नेटिक है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आपको बता देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको रोज़ नई नई अपडेट मिलती रहेगी। देख सकते हैं आप, इधर से चार्जिंग है, और ये आप देख सकते हैं, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा सेंट्रल बटन को, ये ऑन हो गया, लाइट ब्लिंक हो रही है, ये ऑन हो गया, ठीक है। इसको आप नेक्स्ट, और ये प्रीवेश, ठीक है, ये कॉल रिसीव भी इससे कर सकते हैं, स्टॉप और प्ले भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, बहुत ही कंफर्टेबल है। आप एक इसकी खासियत ये भी है कि ये आप हेलमेट के अंदर, हेलमेट डाला हुआ है तो भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा है, ठीक है। अभी दोस्तों आपको मैं कनेक्ट करके बताऊँगा दो फ़ोन को, लेकिन हाँ आपको बता देता हूँ कनेक्ट करने से पहले कि जिस भी डिवाइस में ये लिखा आएगा एडवांस मल्टी पॉइंट, मतलब दो फोन में एक ब्लूटूथ कनेक्ट होने का जिसमें ऑप्शंस रहेगा, वही दो फोन कनेक्ट कर सकते हैं। चलो देख दोस्तों, दिखा दो आपको, इसको ऑन कर दिया है अपन ने। देखिए दोस्तों, ब्लूटूथ है ये ऑन कर दिया, ये ऑन ही है, यह JBN7 आया। अब इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट फॉर कॉल्स एंड मीडिया, ये हो गया, देख सकते हैं आप। अभी मैं दूसरे फोन पे कनेक्ट करके बताऊंगा आपको, एक फोन पे ऑलरेडी कनेक्ट है। तो करना क्या है दोस्तों, ये ब्लूटूथ है, इसमें कनेक्ट कर दिया, इसको ऑफ करना पड़ेगा आपको, लेकिन ये कर दिया इसका ऑफ। अब ये दूसरा फ़ोन है, आप देख सकते हैं, दूसरे फ़ोन में ब्लूटूथ में जाएंगे, ब्लूटूथ में जाकर डिवाइस सर्चिंग करेंगे, ये आया JBN7, ये देखिए दोस्तों आ गया है JBN7 इन यूज़ फॉर कॉल्स एंड मीडिया प्लेबैक। इसके अंदर बैटरी लेवल अभी 90% ये चार्ज किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है 90%, ठीक है, ये कनेक्ट है ऑलरेडी। अभी आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, और इसमें एक बार फिर से ब्लूटूथ ऑन करना है। ये N7 है, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, N7 ऑलरेडी है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों,
ये एक ही ब्लूटूथ है मेरे पास और कोई दूसरा है नहीं, JB N7 कनेक्टेड फॉर कॉल्स एंड मीडिया। आप देख सकते हैं दोनों में, इसमें भी कनेक्ट है, इसमें भी कनेक्ट है। कहने का मतलब एक साथ अभी आप इसके गाने भी इसमें सुन सकते हैं और ये फ़ोन के गाने भी सुन सकते हैं, इसकी कॉल भी आप अटेंड कर सकते हैं, इसकी कॉल भी अटेंड कर सकते हैं। अभी जैसे कि ये मैं कॉलिंग का जो बटन है वो दो बार प्रेस करूँगा, देखिए कॉल सीधी कॉल डायल हो गई, ये डिसकनेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा ब्लूटूथ है। वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।